रही अदिति नागर की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मुद्दा राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर किसी ने चिंता यहां पर जताई है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन को लेकर चिंता जताई। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारा देश चिंतित था। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी संभावना थी। राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी भेज चुके थे अपने रिपोर्ट, लेकिन इसी बीच आरएसएस ने केरल से दे दिया एक बड़ा संकेत। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने का संकेत। कहा, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना ठीक नहीं होता। हालांकि सरकार को नियमों के अनुसार शासन चलाना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ऐसे में सारे घटनाक्रम पर उठता है एक अहम सवाल, क्या धारा 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करने पर राय देने का अधिकार है एक राजनीतिक दल या फिर सामाजिक संगठन को, या फिर ये फैसला निर्भर करता है कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकलन के आधार पर। अलबत्ता आरएसएस ने व्यक्त किए हैं अपने विचार, लेकिन भाजपा की मात्र संगठन होने के नाते आरएसएस के विचार या राय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाते हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, आपके रिपोर्ट हम बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे एक अंदेशा मिला था राष्ट्रपति शासन लगाने का, लेकिन कल आरएसएस की तरफ से जो बयान सामने आया उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ संकेत यहाँ पर मिले हैं। अदिति, पूरी खबर पर जानकारी दीजिए। देखिए, इसको दो तरीके से समझना जरूरी है। पहला ये, इसके अलग अलग भाग है। पहला ये कि किसी एक राज्य में क्या हो रहा है और क्या वो एक स्तर के बाद जाकर जो वहां की आम जनता है, आवाम है, उसके लिए जो नॉर्मल डे टू डे जीवन है वो जीना मुश्किल हो रहा है। वहां जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहां जिस तरीके से महिलाओं की सेफ्टी का इशू बन चुका है, वहां जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री के ऊपर जो स्टेट चलाते हैं उनके ऊपर विश्वास हट चुका है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो गृह मंत्रालय, गवर्नर और राष्ट्रपति, इन तीनों का अपना अपना एक रोल और सुझाव होता है और उसमें फाइनल कॉल राष्ट्रपति लेते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के गवर्नर दिल्ली भी आए, उनके कई बयान भी आए, उनके कई हस्ताक्षर भी आए, जिसमें उनका ये मानना था कि जिस तरह की स्थिति है वो ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को ले लें और ये सरकार के बस से बाहर जा रहा है। गवर्नर जब ये बात कहते हैं और गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति कोई रिपोर्ट देते हैं कि ये इंसिडेंसेस हुए हैं, उसके आधार पर यहाँ की जो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर वायोलेशन सिचुएशन ठीक नहीं, ऐसे बावजूद फिर गृह मंत्रालय अपने हिसाब से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास ही बात जाती है और फिर राष्ट्रपति आखिरी फैसला लेते हैं। और हाल ही में राष्ट्रपति ने भी कहा कि अब बस बहुत हुआ। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो, प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, जिस 356 का आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जनता की भलाई, जनता के हित और स्टेट के हित को देखते हुए फैसला लिया जाता है। दूसरी ओर हम बात करते हैं आरएसएस। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, ये बात अलग है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक संगठन है उसका मात्र संगठन माना जाता है। तो अक्सर आरएसएस जो बात कहता है उसको भारतीय जनता पार्टी का वर्जन समझ के माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस की तरफ से आपने देखा जाति जनगणना पर बात आई, उसको ये माना गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड भी बदल गया। या वैसे ही जब आरएसएस की तरफ से ये स्टैंड आया कि किसी भी राज्य को लेकर इस तरह का जो फैसला वो ठीक नहीं है, ये बात जब कही गई तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिले कि आरएसएस की जो सोच है वो इससे विपरीत है। आरएसएस की सोच ये है कि 356 लगाना ठीक नहीं है, लेकिन वहीं उनकी तरफ से ये भी मानना है कि इस तरह के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना ठीक नहीं होता, हालांकि सरकारों को नियमों के अनुसार शासन करना चाहिए। अब ये दो बात है जो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भले ही करती है, बट कहीं ना कहीं संकेत यही देती है कि 356 लगाने पे आरएसएस का मत विपरीत है। आरएसएस नहीं चाहता कि 356 लगे और राष्ट्रपति शासन लगे। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होती है, गवर्नर और गृह मंत्रालय क्या सोचता है, वही आरएसएस ने अपना स्टैंड, चाहे जाति जनगणना हो,
चाहे पश्चिम बंगाल हो, दोनों पे क्लियर कर दिया। और राजनीतिक लिहाज से या सांस्कृतिक लिहाज से या संगठनात्मक लिहाज से पलक्कड़ में हुई केरला की दो दिवसीय बैठक ये बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं उन्होंने संगठन को भी रिवाइज किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विचार वाले रिश्ते हैं, वैचारिक रिश्ते, क्योंकि जेपी नड्डा के प्रेजेंस में वो बैठक हुई, उसको भी रिवाइज किया। बिल्कुल दीदी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो देखिए आप कुछ संकेत मिले हैं और संकेत हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि पहले अंदेशा ये था कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन अब यहाँ पर संकेत साफ हो चुकी है।